आज हम आपको इस वीडियो में 2023 की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी सलार के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे इसके शूटिंग लोकेशंस, यानी कि ये मूवी कहां कहां शूट हुई है, और उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर एक्शन मूवीज की शूटिंग होती कैसे है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर। सलार का मतलब होता है लीडर, चीफ या कमांडर, और इस वर्ड का ओरिजिन इस्लाम से होता है। रिबेल स्टार प्रभास के इस एक्शन पैक्ड मूवी की शूटिंग लगभग पूरी तरह हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ही की गई थी। यहाँ की 100 एकड़ की जमीन डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस मूवी के शूटिंग के लिए ली थी, और बड़े बड़े सेट इस जगह पर डायरेक्टर शिवा कुमार की हेल्प से बनवाए गए थे। वहाँ पर उन्होंने खानसार, जो कि एक इमेजिनरी सिटी है, उसकी पूरी दुनिया खड़ी कर दी थी। सलार के सिर्फ शूटिंग पार्ट को कम्प्लीट करने के लिए टीम को 114 दिन लगे थे, और उन्होंने इसे 5 स्केड्यूल्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्केड्यूल, मूवी के शूटिंग की शुरुआत 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना की गोदावरी खानी इस लोकेशन से शुरू हुई थी। मूवी में जितना भी कोल माइंस, यानी कि कोयले की खदान वाला पार्ट है, जिसमें प्रभास हमें मैकेनिक के ड्रेस में दिखाई देते हैं, वो यहीं पर शूट किया गया था। स्क्रीन पर दिख रहे इस क्रूशल एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। वहाँ की धूल, मिट्टी, गैस, धमाके, पॉइजनिंग जैसी चीजों से जान को खतरा हो सकता है, और इसलिए स्पेशल परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी शूटिंग नहीं की जा सकती। रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर की हेल्प से ये सेट्स बनवाए गए थे। बिहाइंड द सीन्स में ये सेट्स भले ही आपको कच्चे और हल्के फुल्के लग रहे हो, लेकिन मूवी देखते समय ये हमें काफी दमदार दिखाई देते हैं, क्योंकि CGI और VFX से उनको पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम बेहतरीन बनवाया जाता है। मूवी में हमें जो ये पैलेस देखने को मिलता है, ये मैसूर का ललिता महल है। वैसे तो ये महल बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन VFX के कमाल से इसे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाया गया है। सलार के VFX वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने लगे थे, और इसका बैकग्राउंड स्कोर कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में कंप्लीट किया गया है, जहां मूवी के म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर जी का स्टूडियो है। सेकेंड स्केड्यूल, मूवी का सेकेंड स्केड्यूल 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ था। प्रभास और श्रुति के साथ वाले ऑलमोस्ट सभी सीन्स को इसी स्केड्यूल के दरमियान शूट किया गया था। 12 अगस्त 2021 यानी सिर्फ 10 दिनों में ही इस स्केड्यूल को कंक्लूड कर दिया गया था, क्योंकि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम की शूटिंग और प्रमोशन के लिए उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए था। मार्च 2022 में राधे श्याम रिलीज हो गई, लेकिन उनके घुटने में चोट लगने की वजह से नी सर्जरी के लिए प्रभास को स्पेन जाना पड़ा, और तब तक कुछ 30% ही शूट सलार का कम्प्लीट हुआ था। मेकर सलार को इंडिया की नेक्स्ट लेवल मूवी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवी को शूट करने के लिए डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो अब तक हमें सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलता है। एंड नाउ सलार बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मूवी टू मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। थर्ड स्केड्यूल, कुछ दिन बेड रेस्ट करने के बाद फाइनली 9 महीनों बाद प्रभास की सलार के सेट पर 24 मई 2022 को वापसी हुई। बड़ा वाला ये एक एक्शन सीक्वेंस इसी स्केड्यूल में शूट हुआ था। इस इंटरवल एक्शन सीक्वेंस में 200 से भी ज्यादा फाइटर्स इन्वॉल्व थे, और इसे शूट करने के लिए पूरे 10 दिन लगे थे। उस टाइम प्रशांत नील आर्ट डायरेक्टर शिवा कुमार को मूवी सेट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हुए हमें दिख रहे हैं, और ये लोकेशन रामोजी फिल्म सिटी का ही है। फोर्थ स्केड्यूल, 16 जून 2023 को प्रभास की आदि पुरुष रिलीज हुई थी, और उसके ठीक 12 दिन बाद वो फिर से सलार के सेट पर पहुंचे थे। तब तक आर्ट टीम ने ये वाला बड़ा सेट इस खतरनाक एक्शन सीक्वेंस के लिए रेडी करके रखा था। जब देवा यानी प्रभास आद्या यानी श्रुति की जान इन गुंडों से बचाता है, ये एक्शन सीक्वेंस तभी का है। इसे कोरियोग्राफ किया है एक्शन डुओ अनबरीव ने, और भी काफी सारे सीन्स को इसी स्केड्यूल के दरमियान शूट किया गया था। ये सबसे लंबा स्केड्यूल था, और दिसंबर 2022 तक चला था। यहाँ तक मूवी का 80% पार्ट शूट हो चुका था।
फिफ्थ स्केड्यूल, एक महीने बाद तुरंत फरवरी 2023 के फर्स्ट वीक में पांचवें यानी लास्ट शूटिंग स्केड्यूल की शुरुआत हुई थी और मंथ एंड तक इसे कंप्लीट किया गया था। मूवी के क्लाइमैक्स में जो 20 मिनट का लंबा और मेजर हाईलाइट एक्शन सीन में देखने को मिलता है, इस पर प्रशांत नील ने काफी ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि वो सलार के क्लाइमैक्स को काफी अलग और प्रभास की करियर का बेस्ट सीन बनाना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस 20 मिनट के सीन पर उनका 10 करोड़ का बजट खर्च हुआ था, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपीज पर मिनट। एडिशनल स्केड्यूल्स, पहले मूवी की रिलीज डेट 28 सितंबर 2023 रखी गई थी, लेकिन जब डायरेक्टर प्रशांत ने मूवी का फाइनल एडिट देखा तो उन्हें उसमें कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा। फिर उन्होंने मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन करके 22 दिसंबर 2023 की और अक्टूबर 2023 में एक एडिशनल एक्शन सीक्वेंस को शूट करके मूवी में ऐड किया और इसे उन्होंने बिग वॉर सीक्वेंस नाम दिया, जिसमें हमें जीप्स, टैंक्स और ट्रंक्स जैसी अलग अलग 750 व्हीकल्स देखने को मिलती है। डबिंग पार्ट, श्रुति और पृथ्वीराज, इन दोनों ने पांचों लैंग्वेजेस की डबिंग खुद ही की है। वेट वेट वेट, आई नीड टू ड्रिंक, दारू है क्या? यानी कि आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा या मलयालम किसी भी लैंग्वेज में इसे देखें तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स पर खुद इनकी ही आवाज सुनने को मिलेगी। खानसार में कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज कमेंडेबल। अब बात करते हैं प्रभास की। प्रभास ने साहो और राधे श्याम में खुद ही हिंदी में डब करने का ट्राई किया था। गली क्रिकेट में तो सब टेंडुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ कुछ कमाल नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आदि पुरुष हो या सलार, उनकी आवाज को डब किया है शरद केलकर साहब ने। आंसर अब लाल होगा, जिन्होंने बाहुबली से उनको अपनी दमदार आवाज देना शुरू कर दिया था। कुछ सोर्सेज की माने तो श्रुति हासन ने अपने इस आध्या के रोल के लिए 17 करोड़ की सैलरी डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे कट ऑफ करके 8 करोड़ में सेटल कर दिया गया। श्रुति का टोटल शूटिंग स्केड्यूल 50 डेज का था। ए सर्टिफिकेट फॉर द फिल्म, मेकर सलार के लिए UA यानी पेरेंटल गाइडेंस क्लासिफिकेशन चाहते थे, लेकिन मूवी में काफी ज्यादा खून खराबा होने की वजह से उन्हें CBFC की तरफ से ए यानी एडल्ट का सर्टिफिकेट मिला। CBFC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मेकर्स कुछ सीन्स को रिमूव या कट करते तो उन्हें UA सर्टिफिकेट मिल सकता था, लेकिन डायरेक्टर नील मूवी के किसी भी पार्ट को कट नहीं करना चाहते थे। They asked for a lot of cuts. I was okay to do all of those cuts, but there were a couple of cuts which I did not want to remove because it was not going to satisfy the story of the movie, the drama of the movie. Because I know that I have not made a vulgar movie. Or a movie insensible with violence. It is all necessary violence. प्रभास की सलार ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तो कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन उसके अलावा उनकी इस मूवी के सैटेलाइट, डिजिटल स्ट्रीमिंग और ऑडियो राइट्स 350 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। मूवी के दोनों पार्ट्स का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है, यानी कि एक पार्ट की कीमत तो मेकर्स ने यहीं से वसूल कर ली। इतनी बड़ी रकम शायद ही किसी और इंडियन फिल्म को मिली होगी। सलार के पांचों लैंग्वेजेस के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास हैं, और मेरे ख्याल से हमें ये नेटफ्लिक्स पर फरवरी 2024 में देखने को मिलेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सलार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को नाम दिया गया है सीज फायर और दूसरे पार्ट को शौर्यंगा पर्वम। पार्ट टू की शूटिंग अब प्रशांत नील अपनी जूनियर NTR के साथ आने वाली मूवी NTR 30 के बाद शुरू करेंगे। अगर आप सलार देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको सलार मूवी? काफी सारे लोग इसे KGF से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन डार्क टोन के अलावा काफी सारी चीजें हैं जो सलार को KGF से अलग बनाती है। कौन सी है वो चीजें, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। खैर, डायरेक्टर प्रशांत नील का इस पर कहना था कि सलार हर किसी एस्पेक्ट में KGF से बड़ी है, क्योंकि KGF बनाते वक्त बजट के काफी कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन सलार के वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रशांत बताते हैं कि उन्हें इस मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाना था और इसी विजन के साथ इस मूवी को बनाया गया था। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।